अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA-301 की GDB नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 24 नवंबर है। तो इसमें हमें यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो टू दी पॉइंट लिखनी है। इसमें कोई भी इररेलीवेंट कंटेंट नहीं देना, जस्ट आपने जो क्वेश्चन पूछा गया जस्ट उसका आपने आंसर देना है। तो आपने यहाँ पे 10 नंबर की आपकी GDB है, इसमें आपने कोई इररेलीवेंट चीज़ें नहीं देनी, जस्ट आपने जो पूछा गया है उसका ही आंसर देना है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट कैन यू से ऑफ द सिक्वेंस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब पहले हमने उन्होंने केस दिया कि इसमें सिक्वेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सिमेट्रिक है, वो हमने बताना है। तो पहले में उन्होंने मोड दिया है 32.1 एंड मीन क्या है 35.4, दूसरे में हमें उन्होंने ये और तीसरे में ये वैल्यूज दी हैं। तो अब इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने याद रखना है कि मीन शुड बी ग्रेटर देन मीडियन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जो है इसका फार्मूला दिया गया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसमें जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट करना है। उनको पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, वो मीन से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब जो मीन की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मीडियन से एंड वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मोड से। तो ये हमने इस चीज़ को बस फॉलो करना है, इस फार्मूले को यूज़ करके ये चीज़ देखनी है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट में बता देती हूँ ताकि आपको आगे ईजिली समझ आ जाए। अगर तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं कि मीन जो है वो ग्रेटर देन मीडियन से होता है, मीडियन ग्रेटर देन मोड से होता है, तो हमारी स्क्यूनेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर लेस देन होता है मीडियन या मोड लेस देन होता है या मीन जो है वो लेस देन होता है मीडियन से, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्क्यूनेस नेगेटिव होगी। बट अगर मीन मीडियन एंड मोड तीनों हमारे पास इक्वल आ जाएँ तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि वो तब हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और सिमेट्रिक कब होता है आपको पता चल गया होगा, आप सॉल्व करते हैं तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास पार्ट है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मोड की वैल्यू है 32.1 एंड मीडियन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है 35.4। अब फार्मूला क्या दिया गया था, ये है फार्मूला हमारे पास, ये आपके हैंड नोट्स में भी दिया गया है, मैंने वहीं से आपको ये फार्मूला लिया और उसी के थ्रू उसको सॉल्व कर रही हूँ। तो फार्मूला हमारे पास ये है, मोड की वैल्यू ये हमारे पास है, तो मोड मोड की जगह हम ये 32.5 लिख लेते हैं एंड थ्री मीडियन हमने मीडियन जो है उसकी वैल्यू नहीं देगी, वो हमने फाइंड करना है एंड माइनस टू मीन की जगह पे हमारे पास 35.4 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 34 आना था, तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देन 32.51 एज इट इज़ आ गया, 3 मीडियन भी आ गया, देन इसको हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 70.8 आ गया। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे कि जो माइनस 70 है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 32 ये प्लस मतलब ये पॉइंट्स को प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 102.9, ठीक है। इसको ऐड किया तो 102.9 बना, देन इस जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 34.3। तो मीडियन की वैल्यू क्या आई, 34.3। तो अब तीनों के हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, मीन मीडियन मोड की। तो अब हम इसको इस जगह पे पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़ को और देखते हैं कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग मतलब वैल्यूज़ ग्रेटर देन है या नहीं है, तो वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 35.4 ग्रेटर देन है 34.3 से, और ये वैल्यू किसकी है, मीन की वैल्यू है। अब मीडियन की वैल्यू हमने फाइंड की है 34.3, ये इससे लेस द है और जो हमारे पास इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है। तो अब दूसरी तरफ मोड की वैल्यू 32.1 जो के लेस देन है हमारे मीडियन से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीन की वैल्यू है वो हायर देन है मीडियन से, तो हमारा जो सिक्वेंस है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, मीडियन की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 1459 एंड मीन की वैल्यू दी है 1903, ठीक है। अब वही फार्मूला हमने यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे ऊपर फार्मूला यूज़ किया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब मीडियन मीन एंड मोड की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इस फार्मूले में। तो मोड की हमें वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई, मोड इज इक्वल टू 3 और हमारे पास यहाँ पे मीडियन की वैल्यू है 1459, पुट कर दी माइनस 2 उनकी वैल्यूज़ को पुट किया यहाँ पे, देन मोड को यहाँ पे इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया मोड का, 1571।
ठीक है, ये हमारे पास इसका मोड का आंसर आया। अब इसको हम देखते हैं कि ये उस फार्मूले के अकॉर्डिंग है या नहीं, एंड जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखें कि जो मोड की वैल्यू है वो हायर देन है मीडियन एंड मोड से। एंड यहाँ पे सॉरी गाइस, ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आप इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं खुद इसे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो आप उसकी तरफ फोकस ना कीजिएगा। एंड यहाँ पे आप जस्ट सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो है मोड की बात कर रहे थे, तो मोड जो है उसकी वैल्यू क्या है, मीडियन या मोड से ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पे क्या है कि मीन की वैल्यू जो है वो लेस देन है हमारे पास, सॉरी मीन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से, एंड इट इज़ ग्रेटर देन मीन। तो यहाँ पे ये जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो ये देखें इसकी वैल्यू इससे जो है वो ज़्यादा बन रही है, इसकी इससे ज़्यादा बन रही है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास मोड बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, मीडियन की वैल्यू 50 है एंड मोड की वैल्यू भी 50 है। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है मीन की। तो अब उसी तरह हम इस पर भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 50 इज इक्वल टू 3 एंड मीडियन की वैल्यू 50 माइनस 2 मीन। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 50 माइनस ये 150, यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, देन इसको सॉल्व करेंगे माइनस 100 बनेगा, इस तरफ माइनस 2 मीन बनेगा। तो यहाँ पे 100 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीन इज इक्वल टू 50। तो मतलब यहाँ पे भी 50 था, मोड भी 50 था, मीन भी 50, तो तीनों की वैल्यूज 50 आ गई। तो मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, ये सिक्वेंस जो है वो सिमेट्रिक हो गई। क्यों? क्योंकि मीडियन, मोड एंड जो हमारे पास मीन, तीन की वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो आई होप कि यहाँ तक हमारा सोल्यूशन तो आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आपने इसको शॉर्ट करना है, टू द पॉइंट करना, ज़्यादा आप इसको लेंथी ना बनाइएगा, बिकॉज उन्होंने मना किया कि आपने इसको इतना लेंथी नहीं करना, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने है, आप इसको जो है अपने GDB में सबमिट करवा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि GDB आप एक ही दफ़ा में सबमिट करवा सकते हैं, इसको आप अगेन एंड अगेन सबमिट नहीं करवा सकते। इसलिए आपने जब एक दफ़ा सबमिट करवाना है तो ध्यान से कन्फर्म करके करवाना है कि आप बिल्कुल ठीक अपना आंसर जो है वो सबमिट करवा रहे हैं, ताकि अगर आपको बाद में कोई भी डाउट हो या आपको ऐसे लगे कि आपका आंसर रॉन्ग है या आप मिस्टेक आ जाए तो आप उसको रिट नहीं कर सकते। इसलिए आपने पहली दफ़ा में ही ध्यान से उसको फोकस के साथ सबमिट करवाना है और करेक्ट सोल्यूशन सबमिट करवाना है। तो मज़ीद वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती रहूँगी। एंड फीडबैक प्लीज़ दीजिएगा, आप फीडबैक देंगे तो मुझे आइडिया होता है कि मेरे सोल्यूशन जो है या मेरा मेथड आपको कैसा लग रहा है। मज़ीद वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।